हम बागपत पे गए थे जहाँ एड्रेस दिया गया था। हाँ। वहाँ पे हम गए, हम पूरी पूरी शुरू से बोल, कहाँ से भेजे थे, कैसे, क्या? सर हमें कनीड़ा से भेजे थे। हाँ। महेंद्रा डिस्ट्रिक्ट से, इनको आपको बागपत छोड़ना है, बदायूं डिस्ट्रिक्ट की सवारी आती है। हमें जो आदेश मिले थे वो मिले थे बागपत के। हमें कॉलेज है महाराणा, कौन सा कॉलेज है वो, पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज है, वहाँ के आदेश दिए थे हमें कि भाई वहाँ आपको मिलेंगे, वो रिसीव कर लेंगे। ये आदेश रहे थे, वहाँ हम गए, हमने उनको आदेश दिखाए, उन्होंने आदेशों को मना कर दिया कि ये आदेश नहीं है। मजिस्ट्रेट नारनौल ने कहा साहब के आदेश है और ये बागपत पे देख लो क्लिक हो रहा है। ठीक है ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने कहा कि यहाँ से इनको ले जाओ, हम नहीं रख सकते यहाँ। हमने उनसे टाइम मांगा, उनसे टाइम मांगा कि आप अधिकारियों से बात कर लो, आधे घंटे। उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। हमने भी अपने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं। हमने कुछ टाइम और मांगने की कोशिश करी, लाठी डंडा का चार्ज कर दिया। उन्होंने लाठियां स्टार्ट कर दी, उन्होंने गालियां देनी स्टार्ट कर दी। हम वहाँ से चल पड़े, रास्ते में एक दुकान थी, वहां से मैंने प्यास लगी हुई थी, सवारियों को प्यास लगी हुई थी, मैंने एक बोतल लेने के लिए मैं उतरा बस से, उतरते उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया सर। मेरे दो तीन लठ मारे उन्होंने, और गंदी गाड़ियां देने लगे, अपनी माँ बहन ऐसे करवाने के लिए ले आए हो या क्या करवाने के लिए ले आए हो, और उन्हें जबरदस्ती लात मार के मेरे को खिड़की के अंदर डाल दिया सर। हम वहां से भाग पड़े। ये सर वारदात हुई थी क्या? पानी पीना भी सर गलत है, एक बात बताओ, हमें प्यास लगी, हम सुबह से चले हुए हैं, सुबह खाना खा के चले, रास्ते में न हमने पानी पिया न और कुछ है, न सवारियों ने सर सुबह ही खाना खा के चले हुए। जिस तरह ने लात, आप देखो सर गाड़ियों में क्या हालत है, बच्चों की, सवारियों की क्या हालत है सर। क्या कोई मलिक अभी क्या कोई अधिकारी मिला था वहाँ पे? हाँ जी, अधिकारी थे कि एसडीएम साहब हैं, एडीएम थी, उन्होंने बताया था। वहाँ एसडीएम से भी हमारी बात हुई, एसडीएम ने कहा कि इनको बदायूं छोड़ के आओ। सर हमारे पास जो आदेश थे वो बदायूं के नहीं थे, हमारे पास बागपत के आदेश थे, हम कैसे चले जाएं सर? जब तक हमारे अधिकारी नहीं कहेंगे कि आपको बदायूं जाना, हम कैसे जा सकते हैं? फिर एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसके अंदर कुछ में थे, कुछ वर्दी में थे, 47 पूरे 47 जो भी गाड़ी स्कॉर्पियो वो खड़ी है, देखो आपको दिखाई दे रहे थोड़ा। उसमें चार पांच पुलिस वाले थे, दो सिविल में थे, उन्होंने लाठी चार्ज किया है, गाड़ियां दी है माँ बहन की, और लास्ट में सवारियों को भी गाड़ी दे के गए कि ये पता नहीं ऐसे कुछ दिया था कि हरियाणा की गाड़ियाँ, हरियाणा सरकार इनकी माँ बहनी है, आप गाड़ी से मत उतरना, आपको या तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाएंगे या फिर वापस आप इनके साथ ही जाओ, ये कहा है। और जो इनके वो एसडीएम साहब थे, पता नहीं कौन थे, आप देखो जानते नहीं है, उन्होंने भी वहाँ पे पता है क्या कहा था, बोले कि हम यहाँ क्यों रिसीव करें, जब कमाने के लिए तुम्हारे यहाँ जाते हैं, और बीमारी के अंदर तुमने इनके धक्के मार दिए, बताओ हम कौन होते हैं धक्के मारने वाले? गवर्नमेंट के आदेश थे तो हमने उनका पालन किया, हम उनको जैसे तैसे करके ले आए। अब यहाँ पे हमें यही इज्जत मिली है कि मार खाओ और माँ बहन निकाले, पानी मांगे तो डंडे खाओ सर। अब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से निकाल ले, हम कहीं भी नहीं रिसीव करेंगे, आप वापस ले जाओ, बताओ कहाँ लेके जाएं। अब जो यहाँ पे इनके अधिकारी थे, ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो सोनीपत पुलिस वाले हैं, ये बोल रहे हैं हम आपको 15 मिनट का टाइम देते हैं, अपने जो भी अफसर हैं आला अफसर उनसे बात करो, अगर उनसे कोई सोल्यूशन होता है 15 मिनट के बाद जहाँ से लेके आए वहीं ले जाओ, हम सोनीपत रेंज में इस गाड़ियों को खड़े नहीं होने देंगे। अब हम इनको यहाँ से लेके चलेंगे नारनौल के लिए, रस्ते में अगर किसी को ये मालूम लग गया हमको वापिस लेके जा रहे हैं, कोई हादसा हो गया, कोई कूद के ताकि से पड़ मरा, ड्रायर कनेक्टर तो आगे रहता जी, सोशल डिस्टेंस का मामला एयरवे से भी आगे रहेगा वो, बिल्कुल तो। लेकिन अगर से किसी ने जान अपनी खपा दी, उसका जवाबदार कौन होगा? बच्चे भूखे मर रहे सर, 9-10 बजे से सुबह 10 बजे चले हुए हैं, छोटे बच्चे नहीं, हमने खाया नहीं खाया, पानी के सहारे अब रात के 10 बज गए, पानी भी नहीं लेने, रात के ये देखो मैं आपके मोबाइल में दिखाता हूँ टाइम, देखो जी 10:16 हो चुके हैं और बिल्कुल भूखे बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, चाय पानी हमारे तो छोड़ो, हम तो एक दिन भूखे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे, बट ये बच्चों की तरफ देखो जी, मेनली प्रॉब्लम तो ये, हम इनको यहाँ से वहाँ लेके भी जाएंगे, लेकिन लेके किस बेस पर जाएंगे? अगर किसी ने जान गंवा दी अपनी, ताकि से कूद के या शीशे से कूद के, ऐसे 35 कैंडिडेट एक बस में, 35 को दम पकड़ के बैठेंगे नहीं, लेकिन किस कोई भी एक बच्चा कूद गया, लेडीज कूद गया, आधे जेंट्स कूद गया, उसका जवाबदार कौन होगा? इनको सर ये पता चल गया कि हमें वापस ले जा रहे हैं, हम हरियाणा प्रशासन ये सर कुछ भी कर सकते हैं, हम हरियाणा प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं, इसी चीज का जवाब लेना चाहते हैं, अगर हम इनको लेके आए तो किस बेस पर, हमें यहाँ का प्रशासन हमें लिख के देते कि हम इनको रिसीव नहीं करेंगे, आप ले जाओ जहाँ ले जाना है, चाहे मरे चाहे जिए, लिख के भी नहीं दे रहे हैं सर हमें, हम कैसे बताओ इनको मार दें इन बच्चों को?
मतलब यहाँ पे जो यूपी इस नक्के ये बैठे थे अधिकारी यूपी के, उनसे भी कुछ बात हुई थी सर? हमारी कोई बात नहीं, मेरी बात हुई है डीएम जी यहाँ की मैडम, उसने कही है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं मैडम जी ऐसे ऐसी बात, हम हरियाणा से आए, हम वहाँ बागपत गाड़ी लेके गए थे, उन्होंने रिसीविंग नहीं किया, हमको लात गुस्से डंडे मार के पुलिस वालों ने उल्टा खदेड़ दिया, हम बॉर्डर के ऊपर उल्टे आ गए, तब हमारा क्या सोल्यूशन? उन्होंने कहा डीएम साहब मैडम ने आके हमारी बात आपके एडीसी साहब से हो ली, नारनौल के एडीसी साहब से, और आप इस गाड़ियों को वापस लेके जाओ, ऐसे हमारे कोई लिखित में आदेश नहीं है हमारे पास जो हम आपकी इन सवारियों को रिसीविंग करेंगे, अगर ऐसे कोई लिखित में आदेश या नहीं आए इनके पास, उतना सबूत नहीं आए हैं, तो हरियाणा सरकार ने तो भेजे क्यों? या वहाँ के एडीसी डीसी डीएम ने हमारे वहाँ से यहाँ से भेजे क्या डीएम साहब? ठीक है भैया, तुम्हारी वीडियो होगी है, तब तक प्रॉपर तरीके से वहाँ से और यहाँ कोई पुख्ता सबूत नहीं आया, उससे पहले आपको क्यों परेशान किया, क्यों इन सवारियों को परेशान किया? अभी भेज देता हूँ ये आपकी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कुछ समाधान करो।